नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। विद्यासागर स्कूल की छात्रा मोनिका सोलंकी का राष्ट्रीय कबड्डी टीम में हुआ चयन, जहां नरसुलगंज बुधनी विधानसभा में आने के कारण इसकी एक अलग ही पहचान है। नगर नरसुलगंज की एक प्रतिभावना छात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की छात्रा जो कि विद्यासागर एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत है। इस प्रतिभावना छात्रा मोनिका सोलंकी पिता बलराम सोलंकी का राष्ट्रीय कबड्डी टीम में चयन हुआ है। वही मोनिका ने बताया कि उनकी उपलब्धि में उनके कोच लक्ष्मीनारायण वैष्णव एवं व्यायाम शिक्षक संजय सरसवाल के साथ परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों गुरुओं के ही परिश्रम, लगन व निस्वार्थ सेवा का ही परिणाम है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ और राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान हासिल किया है। वही छात्र मोनिका सोलंकी को इस उपलब्धि पर विद्यासागर एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से नरसुलगंज ने हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। नरसुलगंज से संतोष मीणा की खास रिपोर्ट। स्टार्टिंग से मैं जब छोटी थी तो मैं ग्राउंड गई, मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। ग्राउंड गई, हमें कोच मिले लक्ष्मी नारायण वैष्णव, उन्होंने हमें सिखाया सब कुछ, आगे खेलना भेजा, बाहर भेजा खेलने। और फिर उसके बाद में आज जो मेरा नेशनल हुआ है उसमें मेरे फैमिली का, हमारे स्पोर्ट्स वाले सर का, लक्ष्मी नारायण वैष्णव का और सचिन त्रिवेदी सर का, सेंगर सर का, मिस्टर एन के परिहार हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर का बहुत सपोर्ट रहा है। और अब मैं नेशनल जाऊंगी तो मैं मेरा 100% दूंगी। तो मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है और मैं वर्तमान में विद्यासागर अकादमी हायर सेकेंडरी स्कूल नसरुलगंज में प्राचार्य के रूप में पदस्थ हूँ। जैसे जानकारी मिली है, छात्रा जो आपके यहाँ अध्ययनरत है और अभी स्टेट के लिए खेलने गई है जबलपुर, और भविष्य में उसका राष्ट्रीय लेवल पे भी चयन हुआ है, क्या कहेंगे सर? जी, उस बालिका का नाम मोनिका सोलंकी है, पिताजी का नाम बलराम सोलंकी जी है और ये हमारे स्कूल में कक्षा 10वीं में अभी अध्ययनरत है और अभी वर्तमान में जबलपुर में स्टेट चैंपियनशिप चल रहा है, इसका है महिला सीनियर स्टेट चैंपियनशिप, उसमें अभी उसका प्रदर्शन चल रहा है और आज खबर मिली है कि उसने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है और खेलो इंडिया नेशनल कबड्डी टीम में उसका चयन हुआ है जो कि आगामी नवंबर में उसका होगा। बच्ची का उज्ज्वल भविष्य क्या कहना चाहेंगे भविष्य को लेकर? बच्ची का भविष्य निश्चित तौर पर उज्ज्वल है क्योंकि हमने विद्यालय में भी देखा है, वो अपना जो भी काम करती है अपना सर्वस्व समर्पण करके करती है, बहुत मेहनत करती है, अलग से ग्राउंड पर भी जाकर वो अभ्यास करती है, तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य तो उज्ज्वल है। और अभी तो वर्तमान में हमारे स्कूल और नसरुलगंज नगर का नाम रोशन किया है, हम आशा करते हैं कि वह जो है अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का भी नाम रोशन करें। साला परिवार इस जिस प्रकार से वो प्रदर्शन कर रही है उस उपलब्धि पर क्या कहेगा? उस पर यही कहेगा कि इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं हमें ज़रूरत है उनको आगे लाने की, उनको अवसर देने की, क्योंकि जैसे ही इनको अवसर मिलता है वो निश्चित तौर पर अपना प्रदर्शन करके स्वयं का भविष्य तो निश्चित करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ में दूसरों को प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। और इस पर हम यही कहेंगे कि उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करें।